हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सोफान फेंगशे वैली के एक फॉर्मेशन में फंस जाता है और वहाँ पर फायर बीस्ट उसको लगातार उसके ऊपर हमले कर रहा होता है। तभी अचानक से वो लिटिल मंकी आ जाता है और उसको कन्फ्रंट करने लगता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो किंग कॉन्ग मंकी सोफान की हालत देखता है। उसके बाद सीधे ही वो अपने घोंसले को ले जाकर उस बीस्ट के जोरदार मुंह में मार देता है, जिससे कि वो बीस्ट पीछे की तरफ चला जाता है, पर उसे कोई कुछ खास चोट नहीं आती और वो दोबारा से उसके ऊपर आने लगता है और इसी तरह से उन दोनों में फाइट होना शुरू हो जाती है। सोफान पीछे से खड़े होकर देख रहा होता है। तभी वो अचानक से फायर बीस्ट उसके कॉन्ग के ऊपर भारी पड़ने लगता है। वो उससे चिपट जाता है और अपनी फ्लेम से उससे चलाने लगता है। ये देखकर सोफान थोड़ा सा डर रहा होता है। तभी अचानक से वो अपनी छड़ी ऊपर फेंक देता है और कई सारे नुकीली कीस निकल आती हैं, जो कि जमीन में से उस बीस्ट के भीतर घुसना शुरू हो जाती है। वो बीस्ट उन कीलों पर उठ जाता है। उसके अंदर घुसते हुए कीले उनके ऊपर लटक जाता है। उसके बाद तुरंत ही वो किंग कॉन्ग भागते हुए तुरंत ही उसके पास जाता है और उसके एक जोरदार घूंसा मार देता है, जिससे कि वो एक ही घूंसे में उस फॉर्मेशन से दूर जाके गिरता है। तभी सोफान सीधे उस किंग कॉन्ग के सर पर जाकर बैठ जाता है और उसके साथ उससे लड़ना शुरू कर देता है। वो अपनी सारी टेक्निकों से उसको पकड़ लेता है और साथ ही में उसको ऊपर की तरफ उठा देता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए किंग कॉन्ग उसके एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे कि वो ऊपर जाकर लगता है और डेसिपेट हो जाता है। सोफान की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब होने लगती है। वो अपने मुंह से खून फेंक रहा होता है और सोच रहा होता है जब तक ये मैजिक सर्कल चालू है वो बीस्ट दोबारा से रिवॉन होता ही रहेगा। तभी उसका खून जमीन पर गिर रहा होता है और उसकी छड़ी उसके खून को सोख लेती है और उसे धक धक की आवाज़ सुनाई देने लगती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो बीस्ट दोबारा से रिवॉन हो जाता है। वो किंग कॉन्ग सोफान को कवर करते हुए उससे बचा लेता है और उससे फाइट करने लग जाता है। इधर सोफान की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो रही होती है। वो सोच रहा होता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाऊंगा, और जोर जोर से किचका रहा होता है। तभी हम उसके पीछे एक स्पिरिचुअल स्टैचू देखते हैं जो कि उसके पीछे खड़ा होता है। अचानक से सोफान एक अजीब जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके पैरों के नीचे पानी होता है। वो देखकर पीछे हो रहा होता है। तभी अचानक से उसका पैर किसी की लाश पर रख जाता है। ये देखकर वो तुरंत रुकता है और पीछे की तरफ देखता है, उसे लाश दिखती है। तभी उससे थोड़ी दूर आगे उसे वही मॉन्क दिखता है जिसने उसके पूरे गाँव को उड़ा डाला था। वो मॉन्क घूमकर उसकी तरफ देखता है। उसको अपनी तरफ देखते हुए सोफान बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। वो उसके हाथ में एक लाल सी गोली को देखता है और वो मॉन्क बड़ी एविल स्माइल दे रहा होता है। इसी के साथ ही उसे पीछे के सारे सीन्स दिखाई देने लगते हैं। तभी अचानक से उस जगह में से काफ़ी सारे हाथ निकलने लगते हैं और सोफान को उसके अंदर खींच रहे होते हैं। सोफान उन सभी से बच रहा होता है। तभी वो मास्टर कहने लगता है, तीन और माथा टेको और मुझे अपना मास्टर मान लो। इतना उसके कहते ही सोफान तुरंत ही अपना घोटू टेक लेता है और वे सभी सोल्स उसको अपने पानी के अंदर डुबा देती हैं और वो पानी के अंदर गहरा होता हुआ चला जाता है। इधर सोफान उस मैजिक सर्कल में ही बैठा होता है पर अपनी घुटियों को बीच रहा होता है। उसके पीछे से वो स्टैचू उसके पास धीरे धीरे करके आ रहा होता है। सोफान कह रहा होता है, क्या ये हकीकत में होने वाला है? उसका पूरा ध्यान उधर की तरफ होता है। वो स्पिरिट स्टैचू उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी सोफान को पुरानी कुछ यादें याद आने लगती हैं। वो सभी के बारे में सोचता है। तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो तुरंत ही उस नदी में से निकलकर बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है। वो स्टैचू भी उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। किंग कॉन्ग उसको देख लेता है और उसको बचाने की कोशिश करता है, पर वो बीस्ट उसको बीच में ही रोक लेता है। पर सोफान उसके हमले आने से पहले ही होश में आ जाता है और तुरंत ही वहाँ से हट जाता है। पर उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। वो अपने मुंह में से खून फेंक रहा होता है। तभी अचानक से उसके खून पे से एक रेड कलर की स्पिरिचुअल एरा बहने लगती है, धीरे धीरे करके स्ट्रांग हो रही होती है। वो स्टैचू अपनी आंखों को मिचमिचा रहा होता है। उसी जगह पर सोफान को देखते हैं जो कि पानी में से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। वो स्टैचू उसके पैर को पकड़ के भीतर की तरफ खींच रहा होता है और वहाँ पर भी उसी तरह की रेड कलर की स्पिरिचुअल एरा फ्लो हो रही होती है। सोफान इधर मैजिक सर्कल में दोबारा से अटक जाता है और वहीं पर ही खड़ा रह जाता है। वो स्टैचू उसको लगातार नीचे की तरफ खींच रहा होता है। उसको नीचे खींचने के बाद इधर मैजिक सर्कल में वो स्टैचू सोफान के ऊपर हाथ मारने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि वहीं पानी में एक ऑब्जेक्ट ऑन हो जाता है। उसके ऑन होते ही वहाँ पानी में से पूरी तरह से गायब हो जाता है और इधर की तरफ वो पूरी तरह से रुक जाता है। और वो फायर बीस्ट भी किंग कॉन्ग पर भारी पड़ रहा होता है और अचानक से वो भी डेसिपेट हो जाता है और उसकी सभी पावर सोफान के भीतर जाने लगती है। सोफान पर धीरे धीरे करके खड़ा होता है। जैसे ही वो सारी स्पिरिचुअल पावर उसके अंदर इमर्ज होती है वो पीछे गिर जाता है। इधर हम फेंगशे वैली के सभी लोगों को देखते हैं जहाँ पर फिशरमैन डले हुए होते हैं। एल्डर लू इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि फिशरमैन की खाल बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है और इसके ऊपर कई सारे स्लैसेस है, पर इनके ऊपर मारोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर ऐसा कैसा हो सकता है कि यूनिहॉन्ग हेड ऑन फाइट में मर गया? इधर शेंगोंग सोच रहा होता है, ये सभी लोग किसी काम के नहीं हैं, यहाँ तक कि थोड़े बहुत पागल भी हैं, पर मैं यहाँ पर एकदम ब्रेक नहीं हो सकता, ऐसा हुआ तो कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तभी अचानक से ब्रदर ली कहने लगता है, अंकल शेंगोंग
हमने जो सारे रेड आई ऑक भेजे थे उन्होंने हमें कुछ भी नहीं ढूंढ पाया और उन सभी लाल आँख वाली चीलों को कुछ भी नहीं मिला है। ये सर वो कहने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता कि लाल आँख वाली चीलें सब कुछ हैं, उनसे भी गलती हो सकती है, हो ना हो वो यहीं पर हैं, पर मुझे डर है कि वो लोग इस पहाड़ को पलांग कर यहाँ से नहीं जा सकते। इस वक्त सेंगोन पीछे की तरफ घूमकर दोबारा से कहने लगता है, हो ना हो उन सभी लोगों में मिल चुके हैं। इसी के बाद वो तुरंत ही वहाँ पर बाउंड्री बना देता है और भी सभी लोग उसके अंदर आ जाते हैं। वो फिशरमैन चिल्ला रहे होते हैं और भी सभी लोग अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, पर भी सेंगोन को वहाँ पर खड़ा हुआ देखते हैं जो कि उनसे कुछ भी नहीं कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं जो हम 100 सालों से प्लान कर रहे हैं वो लीक हो चुका है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद वो तुरंत ही एल्डर लू से कहने लगता है, एल्डर लू एक काम करो ज्वेलिन टावर के पास जाओ और चेक करो कि वहाँ पर कोई मर्डर है जो यहाँ पर ये सब करके भाग गया हो। ये सर वो कहने लगता है, हाँ मैं भी अभी करता हूँ। और उसके बाद वो ब्रदर ली को बुलाता है और कहने लगता है, डिसिपल ली तुम एक काम करो इन सभी लोगों को यहाँ से इन्फेक्शन रूम में ले जाओ और इन सभी लोगों की आइडेंटिटी चेक करो, पता करो कि इन लोगों के अंदर कोई डेविल कल्ट का आदमी तो नहीं है जो कि वेस्ट बदल कर यहाँ पर बैठ गया है। उसकी आज्ञा को लेने के बाद वो उसे ग्रीट करते हुए वापस आता है और उस लड़की के पास आकर कहने लगता है, जूनियर सिस्टर मेरे साथ चलो इन सभी लोगों को इन्वेस्टिगेशन रूम में ले चलते हैं और वहाँ पर इन लोगों की जाकर जाँच करते हैं। वो बड़े ही ध्यान से उसको देख रही होती है, फिर थोड़ी देर बाद कहने लगती है, ठीक है सीनियर ब्रदर। इसके बाद वो काफ़ी देर तक जांच करने के बाद वापस सेंगोन के पास आता है और कहने लगता है, मैंने इन सभी लोगों को अच्छी तरह से चेक कर लिया पर इनके भीतर कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अपना वेश बदल कर यहाँ पर आया हो। इस सर वो कहने लगता है, क्या तुमने किसी को छोड़ा? इस सर वो तुरंत ही उस जूनियर सिस्टर की तरफ देखने लगता है। इधर हम शोफान को देखते हैं जो कि एक गुफा के नीचे वहीं पर पड़ा होता है, तभी उसके पास में लिटिल मंकी आ जाता है। वो उसको जगाने के लिए अलग अलग तरह के प्रयास करना शुरू कर देता है, तभी शोफान अचानक से उठ जाता है और उसके सिर पर हाथ फिराते हुए उसको अपने ऊपर से हटा देता है। सीधे बैठ जाने के बाद वो तुरंत ही कल्टीवेट करना शुरू कर देता है, तभी हम उसकी छड़ी को देखते हैं जो कि अचानक से चमकने लगती है और वो धीरे धीरे कर शोफान की तरफ लड़ती हुई आ रही होती है। इधर शोफान उस बंदर को जो उल रहा होता है उसके भीतर स्पिरिचुअल एनर्जी को डाल रहा होता है और उसके घावों को ठीक कर रहा होता है, पर उसकी वो छड़ी धीरे धीरे करके उसको अप्रोच कर रही होती है। अचानक से वो लिटिल मंकी उस छड़ी की तरफ देखने लगता है और उसके थोड़े पास आकर ही रुक जाती है। शोफान तुरंत ही अपने हाथ से उसको उठा लेता है और सोई को अपने कंधे पर रखकर बोलने लगता है, लिटिल मंकी ऊपर चले देखें कि क्या है। इसके साथ ही वो तुरंत ही वहाँ के एक छोटे से छेद से निकल जाते हैं। ऊपर जाने के बाद शोफान तुरंत ही एक स्टोन के पास पहुँचता है, उसको देखते हुए कह रहा होता है, ये स्टोन थोड़ा सा तो कोल्ड लग रहा है। तभी उसकी नज़र पास की दीवार पर पड़ती है, उस दीवार को देखते ही वो उसको धीरे धीरे करके अप्रोच करता है। वो अपनी छड़ी की लाइट से वहाँ पर जितने भी चित्र थे उन सबको देख रहा होता है। वो आगे बढ़ते हुए उन सभी को देख रहा होता है और कह रहा होता है, यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब खून की नदियों में नहा चुकी हैं और ऐसे ही करके ये लोग आगे की तरफ बढ़े। फेंगशिया वैली जो कि बहुत ही बड़ा नाम है पर मुझे नहीं लगता कि ये राइट या सेक्शन हो सकता है। और इसी के साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है और अपनी छड़ी की लाइट से वहाँ की सभी चीज़ों को देख रहा होता है। तभी अचानक से उसके पैरों के कदमों की चाल लड़खड़ा जाती है और वो थोड़ा सा कांपने लगता है। वो उन सभी चित्रों को देखकर कह रहा होता है, ये तो न्यू कवरसी की पावर है। और आगे बढ़ते हुए देखता हुआ जाता है और उन सभी चीज़ों को देखते हुए तभी वहाँ के एक गेट पर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसके अंदर डालने लगता है। जैसे वो उसके अंदर उसको डाल रहा होता है तभी अचानक से उसे कुछ पुरानी यादें देखने लगती हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग घोटू पर बैठकर किसी के आगे अपने माथा टेक रहे होते हैं। शोफान तुरंत ही बाहर आ जाता है और चौंक जाता है और वो सोच रहा होता है, ये तो न्यू कवरसी की आर्ट है, ये तो वही आर्ट है जिसकी मदद से हम किसी भी जीवित इंसान को वापस से जिंदा कर सकते हैं। इसके बाद वो तुरंत ही अपने पास से एक बैंकर निकालता है और उसको उस पत्थर में लगा देता है और कह रहा होता है, लगता है यही सॉर्ड है जिसकी वजह से यहाँ के मैं राजू को खोल सकता हूँ। इसी के साथ ही वो स्टोन धीरे धीरे करके घूमने लगता है, तभी अचानक से एक जगह से रोशनी निकलती है और वो जगह धीरे धीरे करके जमने लगती है। शोफान देखता है उस स्टोन के ऊपर एक लोगो गढ़ रहा होता है। उसको देखने के बाद शोफान सोच रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही जगह में ठंडी गर्म दोनों हो सकते हैं, ये तो होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद वो तुरंत ही उस बैंगल को उठा लेता है और कह रहा होता है, चाहे कुछ भी हो इसका पता तो मैं लगा कर ही रहूँगा। और इसके बाद वो उसी जगह से निकल जाता है जो कि अभी खुली हुई थी और सोई को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर हमें एक बहुत ही ज़्यादा बर्फीली जगह को दिखाने लगते हैं। शोफान उस जगह पर बढ़ते हुए आगे की तरफ जा रहा होता है और साथ ही वो इधर भी देखता हुआ जा रहा होता है। वहाँ पर काफ़ी सारी ठंडी स्टीम उठ रही होती है जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ भी खासकर दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी हम उसके पीछे एक फर को देखते हैं, यानी कि एक पूछ को जो कि लहरा रही होती है और वो उसके पीछे पीछे जा रही होती है। तभी अचानक से वहाँ पर एक वूमेन की आवाज़ निकलती है और वो कह रही होती है, तुम सेंगोन क्लैन से तो नहीं हो? शोफान सोचने लगता है, सेंगोन क्लैन? तभी वो वूमेन कह रही होती है, आखिर बताओ तुम कौन हो? इससे शोफान उससे कहने लगता है, मैं क्यों बताऊँ,
तुम बताओ आखिर तुम कौन हो। फिर सर वो औरत कहने लगती है, तुम्हारे हाथ में जो छड़ी है वो ब्लड थ्रस्टी बीट्स और सोल स्ट्रिंग ब्लड से बनी हुई है। ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा एवेल है, प्यारी सोल हमेशा ही इनविजिबल रहती है। माना कि तुम्हारा कंडक्ट बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है, पर लेकिन एवेल स्प्रिट तुम्हारे शरीर में घुस चुकी है और धीरे धीरे करके वो तुम्हें बाद में पागल भी कर देगी और मार भी देगी। शोफान तुरंत ही गुस्से में एक जोरदार घूंसा आइस की दीवार पर मारता है और अपनी आंखों में एक लाल सी चमक को देखता है और उसके घूंसे से वो दीवार चिटक जाती है। शोफान कहने लगता है, अगर अभी भी तुमने अपने आप को सो नहीं किया तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था। इसी के साथ ही वो आइस की दीवार ज़मीन पर गिर जाती है और इधर हम कई तरह की फर्श को उड़ते हुए देखते हैं जो कि कोल्ड स्टीम से ढकी हुई होती हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।